महज दो हफ्ते पहले जजपा और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हुआ था, लेकिन चुनाव से पहले ही चकनाचूर हो चुका। लेकिन आज हमारे साथ हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी करताराम कश्यप जी। उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और जेजेपी का जो समझौता टूटा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। करताराम जी, सबसे पहले तो R9 TV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और जजपा पार्टी का जो समझौता हुआ था वो चुनाव से पहले ही टूट चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेनपाल जी, ये मेरा मानना है कि समझौता ही ठीक नहीं था। और दूसरे, जब एक आपसी विचारधारा वाले पार्टियों का मेल नहीं खाता तो उनको समझौता इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। और हमारी कुमारी बहन मायावती जी, इनका तो रिकॉर्ड है कि 6 महीने से ज़्यादा किसी के साथ समझौता इन्होंने रखा ही नहीं है। जो यहाँ के लोकल लीडर हैं हरियाणा के, वो इनको बहका देते हैं, और जो हमारे मतदाता दलित लोग हैं उनके हकों की ना सोचते हुए निजी हित का वो ध्यान रखते हैं और वही रिपोर्ट हाईकमान को भेजते हैं, जिससे ये कंट्रावर्सी पैदा होती है। अब चाहे बहन जी हों या दुष्यंत जी हों, देखिए ये तो लकीर पीटने वाली बात है, वो तो चिड़िया उड़ चुकी है। अगर इनको थोड़ी बहुत ही सफलता मिलती भी, ये उससे भी अपने आदो बैठे। अब कोई भी जनाधार ना तो BSP के पास है, और जो परिवारों की आपसी लड़ाई उनके पास तो होना कैसे है।